इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। क्या शाह महमूद साहब ने कि पाकिस्तान मुतबादल नहीं है भारत का, क्योंकि भारत ही असल में अब ऑप्शन है मिडल ईस्ट में, यूएई में भी और सऊदी अरब में। जनरल साहब ने जो कुछ कहा मैं तस्लीम करता हूँ, बिल्कुल दुरुस्त है, उसका मैं तर्जुमा नहीं करना चाहता। लेकिन हकीकत यह है कि किंग अब्दुल्ला ने जब पहली बार मोदी को आला तरीन एजाज दिया था, उस वक्त हमने बात की थी, मैंने लिखा भी था कि ये बहुत बड़ा टर्न है, बहुत बड़ा यू टर्न है डिप्लोमेसी में मिडिल ईस्ट की, और मिडिल ईस्ट इंजिंग टुवर्ड्स इंडिया। उस वक्त लोगों ने बहुत इतराज किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बात खुलती गई, साफ होती गई। फिर पहला यमन हुआ, उस वक्त हमने मुखालफत की फौज भेजने की। दूसरा यमन हुआ, हमने मुखालफत की और यूएई देख के वजीर खारजा ने कहा कि आपको पछताना पड़ेगा। हमें पछताना पड़ा, बिल्कुल पछताना पड़ा हमको। फिर जनरल साहब ने कहा कि तो माशी मसाइल, बिल्कुल माशी इंटरेस्ट इस वक्त सबसे बालातर है। हिंदुस्तान 100 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है ऑयल रिफाइनरीज में महाराष्ट्र में, और कुछ कर रहा है वेस्ट बंगाल में, और ये 50% जो उसकी प्रोडक्शन है वो जाएगी सीधी इंडियन मार्केट को, और बाकी 50% जो है वो और ऑप्शन होगी कि अगर इंडियंस लेना चाहें तो ले लें, वरना हम मार्केट में बेच देंगे। तो बहुत इजी और बहुत शानदार इंडिया के लिए मौके हैं ये। दूसरे कल्चर रेवोल्यूशन आ रहा है, एक सकाफती रेवोल्यूशन आ रहा है सऊदी अरब में। अगर आप देखें ड्रेस से लेकर थिएटर तक, और थिएटर से लेकर स्टेज शो तक, पहले कभी नहीं हुआ, और वहां पर इंडियंस बहुत जा रहे हैं। अब इंडियंस बहुत जा रहे हैं, आमिर खान गए, सलमान खान गए, वहां पर डांसेस हुए हैं स्टेज के ऊपर, और बिल्कुल शानदार तकरीबात हुई, टिकट लगाया उसके ऊपर, उससे आमदनी भी हुई है। स्क्रीन लग रहे हैं वहां नए, अमरीकी कंपनियां स्क्रीन लगा रही है, मतलब सिनेमा हाउसेस खोल रही है, बड़े वाले सिनेमा हाउसेस। तो एक वो कल्चर वो जो बहुत करीब है इंडिया के, हमसे ज्यादा करीब, हम उसके इतने करीब नहीं है। फिर ये के हमें बार बार तंबी करना, हमें बार बार धुतकार देना, मैं तो ये कहूँगा हमें कश्मीर के मसले पर कहना भाई अपने घर जाएं, आप अपना काम करें, ओआईसी का इजलास नहीं बुलाना, जिद करना नहीं बुलाएंगे हम ओआईसी का इजलास। और फिर जब मलेशिया और तुर्की से बात करें, इस तरफ हैं कि भाई बात आ रही है कि हमें अपनी आंखें बंद नहीं करके रखनी चाहिए, और आंखों देखी मक्खी हजम करना ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफी है। हमें खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हम इस खुशफहमी में पहले ही मुब्तला रहे और नुकसान उठाया है हमने। अगर हमने पहले भी बहुत नुकसान उठाया, जैसे कि नासिर चौकाई साहब ने फरमाया, और हमने ये भी देखा कि हम इंडियन ट्रेड, इंडियन इन्वेस्टमेंट का मुवाजना करें तो पाकिस्तान उससे बहुत पीछे है। दुबई में, मुत्तहिदा अरब अमारात में इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडियंस की, और इसके हवाले से आपको पता होगा माजी में एक तवील रिपोर्ट भी आई थी कि किस किस्म की उनकी रिहायशगाहें, उनके वेलाज, और ये वो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। हमें करना क्या होगा मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की तरफ, हम इसी खुशफहमी में रहें कि नहीं हमारे ताल्लुक बेहतर हैं? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये इंपॉर्टेंट तब होता अगर ये बात यूएई और सऊदी अरब वाले कहते। अगर उनके मुंह से वो ये कहते कि पाकिस्तान हमारा बहुत करीब है, हमारा दोस्त है, उसका कोई मुतबादिल नहीं, फिर तो इसमें कोई वजन था। ये अपने मुंह मियां मिठू वाली बात है। टू बी ऑनेस्ट, जो हालात हैं वो मेरे सीनियर कोलीग्स ने बड़े बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, ये सारा सिलसिला शुरू हुआ यमन की जंग से, ये कोई आज का सिलसिला नहीं है, ये यमन की जंग से शुरू हुआ जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पाबंदी लगा दी कि पाकिस्तान की फौज नहीं जाएगी, और वैसे भी हमारी फौज वहां पे जाना भी नहीं था उन्होंने। तो उस वक्त से वो लोग इस ताक में बैठे हुए थे, उनको पता था कि अब हमने किसी और एवेन्यूज को एक्सप्लोर करना है, दूसरी जानिब देखना है। तो भारत बार बार फिर उनको ऑफर्स करता रहा, यहां तक कि भारत ने जाके उनको दिफा के हवाले से बहुत ज्यादा ऑफर्स की, और उन्होंने कहा कि हम यूएई के अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आपके लिए डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आपको अमेरिकन से इजाजत लेनी पड़ेगी। इसमें इसराइल भी ऑन बोर्ड था,
जिसकी वजह से भारत के तालुकात ईरान के साथ भी मुतासिर हुए। आपने देखा होगा कि ईरान ने भारत को चाबहार के मंसूबे से अलहदा कर दिया, तो भारत को भी पता था कि अगर इस रीजन के अंदर कहीं पे पैसा है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट है, तो वो मिडिल ईस्ट की रियासतें हैं, चाहे वो यूएई होगी या सऊदी अरब हो गया, और वो अमेरिका के भी करीब है और इसराइल के भी करीब है। तो इस वजह से भारत ऑटोमेटिकली उनका नेचुरल अलाय बन गया है। अब जितना करीब इसराइल उनके आ चुका है, पाकिस्तान के और इसराइल के जो तालुकात हैं वो आपको पता है, सबको पता है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। तो इस वजह से भारत इस वक्त एक नेचुरल इतिहादी बन चुका है, चाहे वो सऊदी अरब हो चाहे यूएई हो। लेकिन ये सारी चीजें ओवरनाइट नहीं होंगी, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो इसको फिजल आउट करेंगे, पाकिस्तान को साइडलाइन किया जाएगा और भारत वहां पर अपना किरदार प्ले करेगा। लेकिन यहां पर मैं अभी आपको बताता चलूं कि भारत के अंदर जिस किस्म की ब्यूरोक्रेसी है, जिस किस्म की उनकी फौज है, सऊदी अरब की ख्वाहिश तो बहुत होगी कि वो दिफाई एतबार से वहां पे आके टेक ओवर करें, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकेगा, इसलिए कि उनकी अपनी जो फौज है वहां पे, जिस जनरल साहब ने जिक्र किया, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं सिर्फ इतनी कि उनकी अपनी फौज के अफसरान से मैंने खुद बात की, तो उन्होंने कहा कि आपके फौजी अफसर ये हलफ लेते हैं कि हम इस्लाम की हिफाजत करेंगे, इस्लाम के हम सोल्जर्स हैं, तो इसका मतलब है कि सऊदी अरब की तो आप ऑटोमेटिकली हिफाजत करेंगे। तो ये सोच उनकी फौज में भी पाई जाती है, क्या वो भारत की फौज के साथ काम कर सकेंगे, ये अभी वक्त ही बताएगा। जुनेरा देखिए, हमारा जो स्टाफ कॉलेज है और हमारी और भी जो एकेडमीज़ हैं, वहाँ से सऊदी अरेबिया के जो सारे सिपाही हैं, फौजी हैं, वो पास आउट होते हैं। हम वहाँ जाके इन्हें ट्रेनिंग देते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि सऊदी फौज को खड़ा ही पाकिस्तान आर्मी ने किया है, जैसा भी ट्रेन किया है, कुछ अपनी कैपेबिलिटी भी तो होती है ना, आपको खुद भी तो लड़ने के काबिल होना चाहिए, सिखाने वाला तो सिखा देगा, तो वो कैपेबिलिटी उनकी है या नहीं है, जितना भी अभी तक उन्होंने सीखा है जंगें लड़ना और अपने आप को डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े करना, वो उन्होंने पाकिस्तान से ही सीखा है। अब उसके बाद अगर वो ये समझते हैं कि अभी भी उनको यमन में जंग के लिए पाकिस्तान की फौज की जरूरत है या थी, इट सेज अ लॉट अबाउट देयर कॉम्पिटेंसी कि वो अभी भी इस काबिल नहीं है कि अपनी जंगें ऑन देयर ओन लड़ सकें। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह है कि अगर वो शौक से करें, जरूर करें, हाईएस्ट सिविल अवार्ड उन्होंने मोदी को दिया है आफ्टर पुलवामा, तो अगर दे आर शिफ्टिंग देयर आइडियोलॉजी इस्लामिक सेंट्रिक कंट्री जहां पे हरिमैन शरीफैन है और वो उसके कस्टोडियंस हैं, लेकिन पॉलिसीज वो फॉलो करेंगी जो भी उनको इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में सूट करती हैं, तो फिर मुसलमान ममालिक को भी सोचना पड़ेगा कि हमें सऊदी अरेबिया के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, स्पेशली इफ दे आर ऑलरेडी नेगोशिएटिंग या एक्सेप्टिंग इसराइल। तो चीजें बड़ी तेजी से चेंज हो रही हैं और सऊदी अरेबिया के लिए एक पोजिशन लेना कोई इतना आसान नहीं होगा, चाहे वो कल्चरल रेवोल्यूशन ले आए जो कुछ भी कर लें। दूसरी चीज, जहां तक यूएई का ताल्लुक है, यूएई के लिए कंपैरेटिवली आसान है डिसीजन मेकिंग, इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, इंटरेस्ट बेस्ड उनके डिप्लोमेटिक टाइज हैं, पहले भी इंडियंस के साथ उनको ज्यादा फायदा था, अभी भी ज्यादा फायदा है। लेकिन इसमें मैं फोकस इस चीज पे करूंगी कि हम उन लोगों से ऑयल लेते हैं, हम उन लोगों से पैसे लेते हैं, हम उन लोगों के ऊपर रिलायंस रखते हैं, और उसके जवाब में अगर उन्हें स्ट्रेटेजिक और डिफेंस की सपोर्ट देते हैं, तो इसका मतलब है हमने सही कैश नहीं कराया अपनी इतनी बड़ी सपोर्ट को, कि आज हमें ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। तो सोचना और समझना यह है कि आज की बात नहीं है, हमेशा से कंट्रीज इंटरेस्ट बेस्ड फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। कल तक उनको हमारी जरूरत थी, आज शायद ना हो, लेकिन ये हमने डिसाइड करना है कि हमने अपनी रेलेवेंस इंटरनेशनल ऑर्डर में कैसे रखनी है और जियो स्ट्रेटेजिक अनफोल्डिंग ऑफ इवेंट्स के साथ अपने आप को दुनिया में रेलेवेंट कैसे। मतलब आप अग्री कर रही हैं कि इस किस्म के बयान से निकलकर अब हमें कुछ आगे की हिकमत अमली पर जाना होगा, राइट जुनेरा? डेफिनेटली मुसलमान साहब। देखिए, हम में एक बड़ी है कि हम ना अगले की गलती बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम हर वक्त ये सोचते हैं कि अगले ने क्या गलती की है। आप देखें, इमरान खान पावर में आए तो सबसे ज्यादा इमरान खान को सपोर्ट किसने किया? सऊदी अरब और यूएई ने। $3-3 billion दिए डेफर्ड ऑयल पे, पेमेंट की डेफर्ड ऑयल दिया। MBS भी यहाँ आए, दुबई के हुक्मरान भी यहाँ आए और हमने बड़ी शानदार दुनिया में शॉफर डिप्लोमेसी को मुतारफ कराया।
और उस शॉफर डिप्लोमेसी के हमने बहुत कसीदे पढ़े कि हमने दुनिया में अब नई डिप्लोमेसी ले आए हैं, शॉफर डिप्लोमेसी। और उसके बाद हमने उनसे पैसे भी लिए। पैसे लेने के बाद हम न्यूयॉर्क पहुंचते हैं और हम महातीर मोहम्मद और तैयब अर्दोगान के साथ बैठ जाते हैं कि हमने इन अरबों के खिलाफ इत्तेहाद बनाना है। भाई अभी तो आप उनसे पैसे लेके आए हैं, ऑयल लेके आए हैं, वो आपके मुल्क में आए हैं, उन्होंने इस रजीम को वेलकम किया है, आपने उनका दौरा किया है, उन्होंने रेसिप्रोकेट किया उस दौरे का, उनको सी पैक में शामिल करने की बात हुई है, वो हम हैंड इन ग्लव्स थे। न्यूयॉर्क प्राइम मिनिस्टर गए, एकदम उनका मूड बदल गया, उन्होंने कहा नहीं मैंने तो अरबों के खिलाफ इत्तेहाद बनाना है। उसके बाद आप आज यमन यमन की यहाँ बातें करें, यमन इज अ क्लोज चैप्टर। उसके बाद हमें पैसे मिले, उसके बाद वो यहाँ आए, शॉफर डिप्लोमेसी हुई, कमाल दोस्ती हुई, हम गए, वो आए, बेहतरीन ताल्लुकात थे। यमन तो क्लोज चैप्टर था, खराबी कहाँ से हुई? खराबी वहाँ हुई जहाँ आप महातीर और तैयब अर्दोगान के साथ बैठ गए इनसे पैसे लेके कि कोई भी किसी से पैसे लेकर, मैं अभी नासिर बेग चुताई साहब से पैसे लूँ और जनरल अफजल साहब के साथ बैठ के नासिर बेग चुताई साहब के खिलाफ बातें करना शुरू कर दूँ तो नासिर बेग चुताई साहब का रद्दअमल क्या होगा? वही होगा जो यूएई और सऊदी अरब का है। हम अपनी गलती की तरफ कभी देखते नहीं है। हम अगलों में कीड़े निकालने की हमने बड़ी, हमसे स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई, हम मलेशिया जा भी ना सके, हम अपने पांव पे भी ना खड़े हो सके और हमने अरबों को भी निराश कर दिया। हाँ। ना घर के रहे ना घाट के रहे और आज हम कहते हैं कि जी उन्होंने तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो होता है खत्म, आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस हो रहा है पिछले कई दिनों से भारत यूएई और भारत सऊदी अरेबिया के जो रिश्ते हैं, मतलब भारत के जो अरब देशों के साथ रिश्ते हैं, वो इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि पाकिस्तान को ये बात बिल्कुल भी पच नहीं रही है। पाकिस्तानी मीडिया इस बात को दिन रात से डिस्कस करता रहता है कि भारत और सऊदी अरेबिया, भारत यूएई के रिश्ते इतने ज़्यादा स्ट्रांग कैसे हैं, भारत में इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है यूएई और भारत उनको मिलिट्री सपोर्ट कर रहा है, भारत के जो इंडियन आर्मी चीफ मनोज नरवाने हैं उन्होंने क्यों विजिट किया है यूएई सऊदी अरेबिया का, जबकि वहाँ पर पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जनरल राइज शरीफ पहले से मौजूद हैं और पाकिस्तान के कुछ फौजी भी हैं, आपको पता होगा। तो दोस्तों इस बात को लेकर पाकिस्तान बड़े दिनों से चिंतित है और आपको बता दें कि पाकिस्तान इसलिए भी परेशान है क्योंकि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से जो अपना पुराना पैसा है वो वापस मांगना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा सऊदी अरेबिया का ये गुस्सा पाकिस्तानियों पर क्यों निकला था, क्योंकि इमरान खान चाह रहे थे वर्ल्ड लीडर बनना, इमरान चाह रहा था मुस्लिम उम्मा का लीडर बनना, इमरान चाह रहा था तैयब अर्दोगान को फिर से नया खलीफा बनाना, इमरान चाह रहा था कि मलेशिया तुर्की पाकिस्तान मिलकर एक नया इस्लामी ग्रुप बनाए, इस्लाम देशों की मतलब नए तौर पे ये लीडरशिप होगी जिसमें टर्की शामिल होगा, मलेशिया होगा और ईरान को भी इनका प्लान था फ्यूचर में शामिल करने का। उसी का एक्शन का रिएक्शन किया सऊदी अरेबिया ने, इनने पहले बोला भाई हमारा लोन वापस करो जो 2 बिलियन आपने लिया था, वो वापस किया ब्यास सहित और ऑयल को लेकर भी कुछ नई पाबंदियां लगा दी हैं। तो पाकिस्तान ने अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद ही मारी है और आपको बता दें पाकिस्तान ने ये लोन चाइना से लोन लेकर मतलब कर्जा चुकाने के लिए भी इन्हें कर्जा लेना पड़ा, इनकी ये तो हालत है और अभी भी इनको मतलब मस्ती चढ़ी है, अभी भी ये सुधरने वाले नहीं है। और आपको बता दें सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में जो इर्दगुल ड्रामा जिसमें आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में ये ड्रामा बैन था उसे लेकर भी काफ़ी पागल हुआ था, तो पाकिस्तानी तो इतने पागल हो गए थे कि इर्दगुल गाजी ही बन गए थे। और आपको पता है इर्दगुल गाजी अभी कुछ दिन पहले जो कैरेक्टर उसने प्ले किया था, जो एक्टर था, वो लाहौर आया था और उसे तकरीबन 8-9 करोड़ का चूना लगा दिया है। मतलब वो इर्दगुल गाजी जो वॉरियर बना था उसमें इस ड्रामे में, वो आखिर लाहौर में आकर हार गया और 8 करोड़ का चूना ले गया उसको और वो वापस जा रहा है। तो दोस्तों ये तो हालत है इन चोरों की। और अब बात करते हैं जो यहाँ पर एक ख़ास बात हुई है, मक्का मदीना में जो सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड जो ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं इंडियन आर्मी के मुस्लिम सोल्जर। इस पर जो अमजद जनरल शोएब है ये बोलता है कि इंडियन आर्मी में तो मुस्लिम सोल्जर है ही नहीं, गिनती के सोल्जर हैं, मतलब इसको कुछ पता नहीं है, ये वॉर कैदी रह चुके हैं 1971 में, डेफिनेटली ये साला यहाँ पे खा रोटियाँ खा के गया होगा और अब बातें कर रहे हैं कि मुस्लिम है। ये मतलब बहुत इनके अंदर इतनी गलत फहमी है जो कि इंडिया के लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल है। ये बेवकूफ़ हैं, गलत फहमियों से भरे हुए हैं, झूठ बोलते हैं अपनी पाकिस्तानी आवाम को, तो अच्छी बात है। हालांकि ऐसी कुछ बात हुई नहीं है लेकिन ये बात पाकिस्तानी मीडिया से में ही उठी है, पाकिस्तानी मीडिया ही कर रहा है ये बात कि जो मक्का मदीना है वहाँ की सिक्योरिटी करेंगे इंडियन आर्मी। आपको पता है मक्का मदीना में नॉन मुस्लिम नहीं जा सकते हैं, तो डेफिनेटली
यहाँ पर जो सोल्जर होंगे इंडियन आर्मी के वो मुस्लिम ही होंगे। तो चलिए दोस्तों आप करते हैं वीडियो को ख़त्म। आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।